हेलो ऑल वेलकम टू द कपिल गुप्ता करियर पॉट शो इट इज सेट दैट डू नॉट लुक फॉर जॉब्स बट बिल्ड योर करियर्स एंड करियर बिल्डिंग इन्वॉल्व्स करियर प्लानिंग और ये तो आप सब जानते ही हैं दैट प्लानिंग इज अ वेरी क्रिटिकल प्रोसेस और उसको करते हुए वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल आफ्टर ऑल हमारी पूरी लाइफ का डिसीजन होता है डिसीजन ऑफ द लाइफ तो उस पर थोड़ी सी भी लापरवाही विल नॉट बी गुड फॉर आर सेल्स फॉर आर फ्यूचर और इसीलिए मैं सभी स्टूडेंट्स को कहूँगा कि इस काम को बहुत बहुत सावधानी से करें क्योंकि उस पर उनके लाइफ के सारे गोल्स डिपेंडेंट होंगे उनका फ्यूचर इसके ऊपर डिपेंडेंट रहेगा तो आज मैं आपको एट स्टेप्स दूंगा टू बिल्ड अ करियर पाथ क्योंकि स्टूडेंट्स को नहीं पता होता क्योंकि हमें जॉब्स नहीं ढूंढनी हमें अपना करियर बनाना है बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप स्टेप बाय स्टेप सही डिसीजन लेते हुए और ये प्रोसेस हमारा हमारी स्कूलिंग हमारे कॉलेज के समय से ही शुरू हो जाना चाहिए जिससे कि हर स्टेप जो हम आगे ले रहे हैं हर कोर्स जो हम आगे कर कर रहे हैं वो जो है प्रॉपरली हो सके सो इफ यू वॉन्ट टू नोट डाउन ऑल दी स्टेप्स ब्रिंग इन पेन एंड पेपर एंड नोट देम डाउ हेलो आई एम कपिल गुप्ता फाउंडर ऑफ स्टडी अब्रॉड अकेडमी एंड आई एम ऑन अ मिशन टू कोच एंड मैंटर हंड्रेड थाउजेंड स्टूडेंट्स टू हेल्प देम रियलाइज द ड्रीम ऑफ स्टडिंग इन द बेस्ट यूनिवर्सिटीज ऑफ द वर्ल्ड एंड बिल्ड हैप्पी करियर्स फॉर दम सेल्फ तो चलिए आज मैं आपको वो एट्स स्टेप्स टेम्पलेट देता हूँ और मुझे विश्वास है आप लोग अपना पेन पेपर लेकर आ गए होंगे सो लेट्स गेट स्टार्ट अब पहली स्टेप की जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि एवरीबडी शुड लुक आफ्टर हिज और हर एस्पिरेशंस उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं वो कौन सी फील्ड ऑफ स्टडी में जाना चाहता है वो कौन सी ऐसी स्ट्रीम्स हैं या ऐसे कौन से काम हैं जो फाइनेंशियली इमोशनली उसको सेटिस्फाई करेंगे फॉर एग्ज़ाम्पल वन माइट लाइक टू ट्रैवल या कोई शेफ बनना चाहेगा कोई जर्नलिज्म में जाना चाहेगा कोई इंजीनियर बनना चाहता है कोई डॉक्टर बनना चाहता है बट ये डिपेंड करता है कि वो खुद क्या करना चाहता है क्योंकि सभी लोग डॉक्टर नहीं बनना चाहेंगे और सभी लोग इंजीनियर भी नहीं बनना चाहेंगे ठीक है ना तो हमें इस बात को बहुत ध्यान से देखना है कि वॉट आर माई एस्पिरेशंस तो एवरी स्टूडेंट शुड लुक इन टू इट वेरी केयरफुली देन वंस दिस इज़ डन हमको सिलेक्ट करना होगा या डाउन करने होंगे अपने करियर्स को बेस्ड ऑन आर एरियाज ऑफ इंटरेस्ट बिल्कुल उसी तरीके से कि भाई कोई जर्नलिज्म कोई ट्रैवल गाइड शेफ या सोशल वर्कर देन आफ्टर दिस एज अ स्टेप थ्री हमें अपनी मॉनिटरी एम को डिसाइड करना होगा कि हाउ मच वी एक्चुअली वांट टू अर्न बिकॉज मनी इज अ ग्रेट मोटिवेटर और आपने बहुत से लोगों को ये भी कहते सुना होगा कि मनी इज नॉट एवरीथिंग बट पर्सनली मैं उन लोगों से सहमत नहीं हूँ आई डिस रीजन ओनली अ मिलेर हैज अ राइट टू से दिस एंड रेस्ट ऑफ द पीपल मस्ट अर्न मनी फास्ट राइट सो कमिंग टू स्टेप नंबर फोर अब वंस दीज डिसीजन्स दीज ऑब्जेक्टिव्स आर क्लियरली डिफाइंड हमें रिसर्च करनी चाहिए कि वॉट काइंड ऑफ एजुकेशनल और प्रोफेशनल स्किल्स आर रिक्वायर्ड फॉर द करियर्स दैट वी आर डिसाइडिंग फॉर आर सेल्फ तो पूरा कंप्लीट क्लियर फोकस होना चाहिए ऑन एप्टीट्यूड पर्सनैलिटी ट्रेट्स हमारी स्ट्रेंथ्स हमारी वीकनेसेस राइट सो वी हैव कंप्लीटेड फोर स्टेप्स आउट ऑफ इट तो एक क्विक रिविजन हो जाए जिससे कि अगर कोई भूल गया होगा या कुछ मिस किया होगा so let us have a quick revision. so step one, mein, i told you that we must analyze different careers based on our aspirations and life objectives. then secondly, we should narrow them down to the career options based on our areas of interest. then coming to step three, there was the monitoring. and finally, step four, that one should do research about the educational एंड प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट्स क्योंकि अल्टीमेटली उस करियर तक पहुँचने के लिए आपको अपनी एजुकेशनल और प्रोफेशनल स्किल की तो जरूरत पड़ेगी राइट सो नाओ कमिंग टू स्टेप नंबर फाइव नाउ द नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप विल बी टू सेट आउट टू ऑप्टेन द रिक्वायर्ड स्किल्स एंड ट्रेनिंग क्योंकि स्पेशलाइज डिग्री चाहिए हो सकती है किसी के लिए आपको सर्टिफिकेशन की जरूरत पड़ सकती है तो उन सबको अचीव करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी देन कमिंग टू स्टेप नंबर सिक्स दैट आपने जब एजुकेशन कंप्लीट कर ली तो अब आप प्लेसमेंट्स की तरफ देखेंगे अब कैंपस प्लेसमेंट्स भी होती हैं तो कोशिश करिए आपको अपनी यूनिवर्सिटी से ही प्लेसमेंट मिल जाए बट मैनी टाइम्स नॉट ऑल स्टूडेंट्स आर सो लकी तो फिर आप अपनी यूनिवर्सिटी के बाहर देखिए आसपास देखिए अपने सर्कल में कि कहाँ आप जो है आपको जॉब मिल जाए लेकिन कोशिश आपको ये करनी है कि जिस स्पेशलाइज्ड फील्ड में आपने पढ़ाई की है आप जॉब उसी में देखें और उसके लिए कई बार नेटवर्किंग बहुत इम्पॉर्टेंट होती है एंड आई विल से और आप लोगों ने सुना भी होगा कि लिंकड इज़ अ ग्रेट प्लेटफॉर्म फॉर प्रोफेशनल नेटवर्किंग और वो बहुत वैलेबल रिसोर्स है और हमको ये कहना चाहिए कि, कि किस तरह से नेटवर्किंग लिंकड पे की जाती है ये भी सीखना चाहिए और दिस इज अ ग्रेट स्किल टू मूव अप द लैडर प्रोफेशनली देन कमिंग टू स्टेप नंबर सेवन अब शुरुआत में ये हो सकता है कि एंट्री लेवल पोजीशन होगी तो मे भी आपकी सारी जो मॉनिटरी एस्पिरेशंस हैं वो फुलफिल ना हो बट कोई बात नहीं क्योंकि अल्टीमेटली रास्ता तो वहीं से जाएगा तो ग्रेट वे टू डू इज़ टू एक्चुअली परफॉर्म द असाइंड वर्क डिलीजेंटली एंड लर्निंग द इंट्रिकसीज ऑफ़ द ट्रेड इन द प्रोसेस क्योंकि देखिए जो हमारी पहली जॉब होती है वो हम पैसे के लिए नहीं करते हम प्रोफेशनल स्किल मार्केट में क्या चल रहा है किस तरह की चीज़ें होती है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आप ऑन द जॉब सीखते हैं तो जब कोई कंपनी आपको एंट्री लेवल पोजिशन देती है तो वहाँ पर आप पहले कुछ महीनों में तो काम ही करना सीख रहे होते हैं तो इसीलिए वहाँ पर ऐसी कोई इमेज प्रोजेक्ट मत करिएगा कि आप बहुत जल्दी जल्दी जॉब चेंज करते हैं बिकॉज दैट विल हैव नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन योर रिज्यू एंड लास्टली एक पीरियडिक रिव्यू कि आप बीच बीच में चेक करिए छः महीने में एक साल में कि क्या आपको जो एक्सपोजर मिल रहा है जो एक्सपीरियंस मिल रहा है वो आपका जो डिसाइडेड गोल है वो आपको उसी तरफ लेकर जा रहा है ना क्योंकि लगातार टेक्नोलॉजिकल चेंजेस होते रहते हैं जो आपने पढ़ाई की होगी तो हो सकता है जब तक आप जॉब में आए तब तक वो टेक्नोलॉजी पुरानी हो गई तो आपको कहीं ना कहीं रेगुलर अपने आप को अपस्किल करना पड़ेगा और जिससे कि और आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आपका करियर पाथ ऐसा होना चाहिए जिसमें ये फ्लेक्सिबिलिटी हो सो आई बिलीव यू अंडरस्टूड ऑल दी एट स्टेप्स सो आई होप यू फाउंड दिस पॉडकास्ट यूजफुल एंड इफ यस Please subscribe to our YouTube channel, Brainiacs EduTech. And you can also listen to our podcast on Apple Podcasts, Spotify, and Google Podcast to get notified. All my podcasts are around 10 to 15 minutes. So they are short and crisp. Please share a five star review. And if you are part of my community, please share your learnings below. If you wish to reach out to me, I am Kapil Gupta, your study abroad expert, and join my Career Advisor Hub on Facebook. And we have our Instagram channel too by the name Brainiex Editech. And you can get lot more useful information. So until the next episode, cheers, God bless, keep inspiring, bye.